अभी जैसा कि आप रोज टीवी पे देखते होंगे, सुनते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, कोरोना का धीरे 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 जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ रही है, यानी कोरोना से पॉजिटिव लोगों की संख्या आज से महीने भर पहले कम हो गई थी, अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इसका कारण है BA2 जो है ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, उससे इन्फेक्शन हुआ है। अभी ये कहना बड़ा मुश्किल हो गया है कि इस BA2 वेरिएंट कितना जानलेवा है। अगर मान लो आज आपको जुकाम खांसी टेस्ट या आपको सुगंध नहीं आई, बुखार आया, ठंड लग के बुखार आया, ये सब इसके लक्षण होते हैं। मान लो आपको नहीं आए और कोरोना हो भी गया, आप पॉजिटिव भी हो गए, उसमें आप ठीक भी हो गए, लेकिन जो पोस्ट कोरोना जो बीमारियां होती हैं बड़ी लॉन्ग टर्म होती हैं, जैसे हार्ट अटैक आना, ब्रेन में ब्लड का जम जाना, आपकी मानसिक चिंता बढ़ना, अशांति होना, बहुत बीमारियां होती हैं जो पोस्ट कोरोना में होती हैं। इसलिए उनसे बचने के लिए आपको अभी भी जितने कोरोना से बचने के उपाय हैं उनको करें, जैसे 2 गज की दूरी, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि जिसने सेकेंड डोज ले ली हो उसको बूस्टर डोज लगवाना जरूरी है। उसके लिए सरकार सबको गाइड कर रही है कि बूस्टर डोज लगवाएं। जिसको 2 डोज पहले लगी हैं और बूस्टर लग गई, उस आदमी को कोरोना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो मैसेज मेरा ये है कि कोरोना फिर बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन का वेरिएंट BA2 दस्तक दे चुका है, हमको फिर से संभल के रहना है। हम घबराएं नहीं, डरें नहीं, लेकिन कोरोना प्रिवेंटिव के मैसेज अपनाएं और वैक्सीन लगवाएं, और जरा सा भी बुखार जुकाम खांसी ज़्यादा हो कोरोना की टेस्ट कराएं, अपने को आइसोलेट करें और डॉक्टर की सलाह लें। धन्यवाद।